दोस्तों, एपिसोड नंबर 13 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऑप्टिकल कपलर्स के बारे में बताऊंगा इंटरकनेक्ट सिमुलेशन में। तो सबसे पहले ऑप्टिकल कपलर्स ढूंढना होगा कहाँ है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले कीवर्ड में आपको कपलर्स लिखना होगा या कपलर लिखना होगा। कपलर लिखेंगे तो वेवगाइड्स इसमें कपलर है, और पैसिव्स में भी कपलर है। ऑप्टिकल कपलर जो आपको लगे वो आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका है, अगर आप जानते हैं तो डायरेक्ट वेवगाइड्स में जाएंगे। ये देखिए, वेवगाइड्स में गया, कपलर्स पे गया आप। उसके बाद आपने मान लीजिए वेवगाइड कपलर लिया, ये वाला ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है। अब आपको इस पे सोर्स देना है। अगर आप टाइम डोमेन में चाहते हैं तो ऑसिलोस्कोप लगेगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में चाहते हैं तो ऑप्टिकल नेटवर्क एनालाइजर लगेगा एज ए सोर्स और एज ए आउटपुट, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले ऑप्टिकल नेटवर्क एनालाइजर में यूज करता हूँ अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना चाहता हूँ। तो मैंने यहां से लिया ऑप्टिकल नेटवर्क एनालाइजर, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने पोर्ट 1 में लगाया, ये पोर्ट 3 आउटपुट पोर्ट में लगाया, ठीक है। ऐसा जस्ट एज एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। तो पहले ये देखना होगा कपलर क्या है, इसके प्रॉपर्टी में जाना होगा। प्रॉपर्टी पे गया तो देखिए ये बताएगा क्या है। ये वेवगाइड कपलर सिंबल है सी, बाई डायरेक्शनल, कपलिंग कोएफिशिएंट इसका इनपुट पैरामीटर है जो कि 0.5 है। TE मोड के लिए उसको रिजेंबल किया है 1 डिजिट से, सिमिलरली TM मोड को 2 से रिजेंबल किया है, और कपलिंग कोएफिशिएंट है इसका भी 0.5। आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, ये पता चल गया मुझे। अब ये देखना है ऑप्टिकल नेटवर्क एनालाइजर। ये नेटवर्क एनालाइजर इसका आइडेंटिफायर 1 है, इट मीन्स ये TE मोड को रिजेंबल करेगा, क्योंकि कपलर में क्या है 1 TE मोड है। तो यहाँ भी ये TE मोड को यानी सपोर्ट करेगा, यानी जो मेरा रिजल्ट आएगा वो TE मोड का आएगा, ठीक है। सारा कुछ पैरामीटर सेट हो गया है लगभग, ज्यादा कुछ मैंने चेंजेस नहीं किया है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कपलर्स में देखिए क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं, कपलिंग कोएफिशिएंट वगैरह, मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस चेंज कर सकते हैं, और भी आप बाई डायरेक्शनल या यूनिट डायरेक्शनल करना हो तो वो कर सकते हैं। अब मैं रन करता हूँ, देखिए रन किया, इधर बता रहा है हो गया, रन हो गया। अब रिजल्ट टैब में जाना होगा, रिजल्ट पे गया, ओ एन ए सिलेक्ट करना होगा। ये देखिए ओ एन ए सिलेक्ट किया, ट्रांसमिशन में अभी सिर्फ देख के आपको बता रहा हूँ। तो ट्रांसमिशन राइट क्लिक करेंगे, विजुअलाइज करेंगे तो ट्रांसमिशन मिलेगा। तो देखिए ट्रांसमिशन मिला 193.1 टेराहर्ट्ज़ पे, क्योंकि ये वर्क उसी फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है, आपने देखा था जैसा कि। तो मैंने एब्सोल्यूट स्क्वायर किया मान लीजिए, तो 0.5 आर्बिट्ररी वैल्यू है, या फिर आप एब्सोल्यूट पे देख सकते हैं, जो वैल्यू पे आप देखना चाहें देख सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी को आप डिफरेंट पॉइंट्स पे स्लाइस करके देखना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ से टैब होता है, देखिए घसक रहा है, शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है इंडेक्स 9 पे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको मैं डिलीट करता हूँ, कीबोर्ड से डायरेक्ट डिलीट किया, या फिर डायरेक्ट सिलेक्ट करके भी आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से बटन दबाया, ये वाला देखिए डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं लेता हूँ टाइम डोमेन पे, ठीक है। तो टाइम डोमेन के लिए सोर्स चाहिए, मैंने ऑप्टिकल सोर्स लिया जैसा कि पहले वीडियो में लिया है, कंटिन्यूस लेजर सोर्स, ठीक है। अब आउटपुट किस पे देखना है, ऑसिलोस्कोप पे, यानी एनालाइजर लगेगा जो कि ऑप्टिकल में होगा। तो ऑप्टिकल ऑसिलोस्कोप, दो आउटपुट देखना है दोनों जगह पे, तो दो ऑसिलोस्कोप ले लेते हैं, अब सबका कनेक्शन कर देते हैं। ये देखिए मैंने कनेक्शन कर दिया, इनपुट मैंने पोर्ट 1 पे लिया, ठीक है। अब सोर्स के प्रॉपर्टी टैब पे जाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी 193.1 है, डिफॉल्ट वैल्यू रहता है ये, अजीमुथल एलिप्सिटी 0, मैं 100 ले लिया इसका पावर। तो 100 क्या यूनिट बदलना होगा, या मैंने चलो वाट ले लिया, या मिली वाट ले लिया, मिली वाट ले लेता हूँ, ठीक है।
इसमें वन और टू यानी दो मोड के लिए सपोर्ट कर रहा है, कौन सा दो मोड ये पता नहीं है, ये तो कपलर से डिफाइन होता है जैसे मैंने पहले ही बताया था। तो कपलर पे जाएंगे, हाँ वन है टी और टू है टीएम के लिए, यानी ये दोनों मोड के लिए सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो सोर्स है ये मैंने देख लिया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखिए यहाँ परसेंटेज बता रहा है कितना परसेंट रन हुआ, हो गया। देखिए सिमुलेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली 5 सेकेंड्स में, ठीक है। अब रिजल्ट देखना होगा तो पहले रिजल्ट टैब पे जाएंगे और ऑसिलोस्कोप 1 का सेलेक्ट किया, ये विजुअलाइज करता हूँ मैं, ठीक है। ये रिजल्ट आया इसका, ठीक है। ये आप देखिए टाइम डोमेन में ये है ऑसिलोस्कोप 1 का, ठीक है। ऑसिलोस्कोप 2 का देखते हैं, ये है ऑसिलोस्कोप 2, ठीक है। ये है ऑसिलोस्कोप 2, तो इसमें मैं जरा सा चेंज कर देता हूँ, सो लेजेंड्स इसका नाम कर देता हूँ 2, ठीक है। ये देखिए ये दूसरा ग्राफ है और पहला ग्राफ मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखिए पहला ग्राफ है, देखिए कोई अंतर नहीं है, हाँ कोई अंतर नहीं है क्योंकि ये लॉसलेस कपलर है और कपलिंग कोएफिशिएंट सेम है बोथ टी टीएम मोड के लिए, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और आगे सिमुलेशंस बताऊंगा, थैंक यू।